एक बार की बात है, वीरपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक पेड़ था जिस पर एक काले बुरे मुंह वाली चुड़ैल उल्टी लटकी रहती थी। उसका मुंह नीचे, पैर ऊपर की तरफ रहते थे और मुंह उसका टेढ़ा था। काली काली आंखें थीं। फिर एक दिन मुकुट नाम का व्यक्ति अपनी नौकरी से वापस छुट्टियों में अपने गांव आ रहा था और वो एक पुलिस वाला था। उसके हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बैग था और वो अपनी मस्ती में मगन झूमता हुआ चला जा रहा था। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे वहां से डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, ये ऐसी डरावनी सी आवाजें कहां से आ रही हैं? तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। उल्टी लटक रही थी और उसके गले में एक नीले रंग का इवरन चौखाने का एक कपड़ा सा पड़ा दिखाई देता है। अरे रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? चुड़ैल! और इसका ये मुंह कैसा अजीब सा भयानक व डरावना है। तभी चुड़ैल उसे देखकर उसके पास आती है। मुझे लगता है निश्चिंत ही तुम अपने काम से वापस आ रहे हो और अपने गांव जा रहे हो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। मैं तुम्हें काम बताऊंगी, वो काम तुमको करना है। बोलो, करोगे? कैसा काम? और मुझसे ही क्यों करने को बोल रही हो? क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो और वो भी साहसी हो। मुकुट, लेकिन मैं ये काम क्यों करूं? मुझे इससे क्या मिलेगा? ये काम मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए करने को बोल रही हूँ। चलो ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। बताओ क्या करना है? वो देखो, सामने जो पीपल का पेड़ है, तुम्हें उसके अंदर घुसना है। लेकिन मैं घुसूंगा कैसे? मैं तुम्हारी कमर में ये रस्सी बांध देती हूँ जिससे तुम अंदर चले जाओगे, और जब काम हो जाए तब आवाज मार देना मुझे, मैं तभी ही तुम्हें बाहर खींच लूंगी। ठीक है। जब तुम पेड़ के अंदर घुसोगे तब तुम घुसते ही एक बड़ा सा हॉल देखोगे जिसमें बहुत उजाला भी होगा और उसमें तीन कमरे भी होंगे। पहले कमरे में तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम डरना नहीं। ये मेरा नीला इवरन ले जाओ। इस इवरन को उसके गले में डाल देना और उस पहले कमरे में तुम्हें बहुत सारी चांदी मिलेगी। तुम जितना चाहे चांदी ले आना। ऐसा क्या? हाँ, और फिर तुम दूसरे कमरे में जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें एक बिल्ला मिलेगा जो तुम्हें घूरती नजरों से देखेगा, और तुम फिर से वो ही इवरन उसके गले में डाल देना और दूसरे कमरे में तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। जितना चाहो सोना ले लेना। ठीक है। और उसके बाद जब तीसरे कमरे में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक खतरनाक गिद्ध मिलेगा जो तुम्हें टकटकी नजरों से ताकेगा, लेकिन तुम फिर से वही इवरन उसके गले में डाल देना और उस तीसरे कमरे में तुम्हें हीरे जवाहरात मिलेंगे। तुम जितने चाहे ले लेना। और हाँ, तीनों कमरों की चाबी तुम्हें कमरों के बाहर ही मिलेगी। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा इसमें क्या फायदा है और तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? अरे हाँ, उस कमरे के पास एक और कमरा होगा जिसमें एक चमचमाता डिब्बा होगा जिसे तुम मेरे लिए लेते आना। चुड़ैल रस्सी बांध देती है और वो अपना बैग व बंदूक लेके अंदर चला जाता है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, तुम रस्सी बांध दो। जैसे ही मुकुट घुसता है तो उस हॉल में उजाला होता है और पहले कमरे में जाता है। जैसे ही मुकुट घुसता है तो उस हॉल में उजाला होता है और पहले कमरे में वो जाता है तो वहाँ
एक कुत्ता, वो चुड़ैल के कहे अनुसार वो नीला इवरन उसके गले में डाल देता है और वहाँ चांदी के सिक्के होते हैं, वो उसे अपने बैग में भर लेता है। और फिर दूसरे कमरे में जब जाता है तो वहां भी उसे एक बिल्ला खड़ा मिलता है। मुकुट फिर से वो इवरन उस बिल्ले के गले में डाल देता है और वहां रखे सोने के सिक्कों को जब देखता है तो वो उन चांदी के सिक्कों को वहीं छोड़ देता है। और वो अपने बैग और जूतों को सोने के सिक्कों से भर लेता है। उसके बाद वो जब तीसरे कमरे में जाता है तो वहां पर वो गिद्ध खड़ा मिलता है जो उसे टकाटक देखता है। मुकुट फिर से वो नीला इवरन उसके गले में डाल देता है और वहां पर जब वो हीरे जवाहरात देखता है तो वो सोने के सिक्कों को वहीं छोड़ देता है और अपने बैग, जूतों व टोपी में हीरे भर लेता है और वहां से आ जाता है। उसके बाद वो पास के चौथे कमरे में जाता है और वहां से वो चमचमाता डिब्बा भी उठा लेता है जो कि चुड़ैल ने उससे मंगवाया था, और फिर चुड़ैल को बिना देर करे आवाज मारता है, चुड़ैल जी मुझे ऊपर खींचो। चुड़ैल बिना एक पल गंवाए उसको बाहर निकाल देती है। अरे अरे मैं तो बाहर भी आ गया। मेरा वो डब्बा लेके आए हो क्या? हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि चमचमाते डिब्बे में ऐसा क्या है जिसके बदले तुम मुझे इतने हीरे जवाहरात दे रही हो? इस डब्बे में मेरे जैसे लोगों की आत्माएं बंद है जो मेरी दादी वापस आते टाइम भूल गई थी, और एक ज्ञानी साधु ने अपने मंत्रों द्वारा ही सब आत्माओं को इस डिब्बे में बंद कर दिया। तब से ये आत्मा इसमें बंद है। अब तुम क्या करोगी? अब मैं इस इवरन से इन सब आत्माओं को आजाद कर दूंगी और ये सब मेरी जैसी हो जाएं। फिर हम सब मिलके मानव जाति को परेशान करेंगे क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती हूँ। अरे ऐसे तो ये सबको मार ही डालेगी और सारी मानव जाति में खलबली मच जाएगी, सब इसके आतंक से मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये डब्बा चुड़ैल को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अब वो डिब्बा मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये डिब्बा तुमको नहीं दूंगा। और वो चुड़ैल को बंदूक से मार देता है और अपना बैग और वो डिब्बा लेके अपनी मस्ती में झूमता हुआ चलने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है जहाँ पर कुछ विद्वान पंडित यज्ञ कर रहे होते हैं। तो वो उस चमचमाते डिब्बे को उस यज्ञ हवन में डाल देता है और इस तरह वो उल्टी लटकी चुड़ैल और सभी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाते हुए जाती है और वो मुकुट मुस्कुराते हुए मुकुट वापस अपने गांव पहुंच जाता है। एक बार की बात है, शंकर नगर में एक मोहन नाम का बिरयानी वाला रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म बिरयानी बनाता था। उसकी बिरयानी दूर दूर तक मशहूर थी और उसकी दुकान पर हरदम भीड़ रहा करती थी।
एक बार रात में मोहन की दुकान पर। अरे मोहन भैया, क्या बिरयानी बनाते हो यार तुम? मन करता है बिरयानी के साथ साथ थाली भी खा जाऊं। अरे नन्हे भैया, लेट खाओगे तो सुबह दिक्कत होगी टॉयलेट में, आप सिर्फ बिरयानी ही खाओ। नन्हे और मोहन की बात वहीं खड़ी चुड़ैल सुन रही होती है। अच्छा तो ये भीड़ बिरयानी के लिए है, क्यों ना मैं भी खाऊं बिरयानी जाकर। ऐसा कहकर चुड़ैल रूप बदल कर मोहन की दुकान पर जाती है और बिरयानी खाकर आ जाती है। अरे वाह, सही में बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बिरयानी है, मजा ही आ गया। इतना स्वाद तो मुझे तब भी नहीं मिला जब मैं जिंदा थी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और मोहन भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर पर चला जाता है। लेकिन भुक्खड़ चुड़ैल को रात में फिर से बिरयानी खाने का मन कर जाता है। अरे यार, ये बिरयानी खाने का मन फिर से क्यों कर रहा है? क्या करूं? एक काम करती हूँ, उस मोहन नाम के बिरयानी वाले के यहाँ से खाकर आ जाती हूँ। चुड़ैल बिरयानी के लालच में मोहन के घर पर पहुँचती है। वहाँ मोहन और मोहन की पत्नी रज्जो बिरयानी खा रहे होते हैं। वैसे एक बात बोलूं पिंकी के पापा, तुमको मर्द नहीं औरत बनना चाहिए था। क्या मस्त खाना बनाते हो। रज्जो की बात सुनकर मोहन हंसते हुए कहता है। अरे मेरी रज्जो डार्लिंग, इस घर की मर्द तो तुम ही हो। चलो तुम खाओ, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है और रज्जो के अंदर समा जाती है। रज्जो की आंखें डरावनी और लाल लाल हो जाती हैं। इस रज्जो के शरीर में रहूंगी तो रोज बिरयानी खाने को मिलेगी, मुझे मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल रज्जो के शरीर में घुसकर सारी बिरयानी खा जाती है। उसके बाद तो रज्जो मोहन से हर रोज बिरयानी पकवाती और रोज खाती। रज्जो की बदली हुई आदतें देखकर मोहन को शक होता है और वो रज्जो से पूछता है। अरे रज्जो, तुम पिछले कई दिनों से रोज बिरयानी खा रही हो, तुम्हारा कुछ और खाने का मन नहीं करता? मैं तो बिरयानी खा कर और देख देख कर परेशान हो गया हूँ। मोहन की बात सुनकर रज्जो मोहन से बोलती है। अब तुम बोर हो गए हो तो हम क्या करें? हम खाएं भी नहीं अपनी मर्जी का, जब तक मेरा मन है मैं बिरयानी खाऊंगी, समझे? अब जाओ अपना काम करो। रज्जो मोहन को डांट कर वहाँ से चली जाती है। मोहन भी अपने काम पर लग जाता है। एक रात चुड़ैल बाहर निकलती है और रज्जो से बोलती है। अरे रज्जो, तू तो बड़ी ही किस्मत वाली है, क्या मस्त बावर्ची पति मिला है तुझे, क्या मस्त मस्त बिरयानी बनाकर खिलाता है तुझे। चुड़ैल की बात सुनकर रज्जो कहती है। चुड़ैल, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जहाँ कहीं से भी आई हूँ, लेकिन अब मैं तेरे शरीर में ही रहती हूँ और जब तक मेरा मन करेगा मैं तेरे शरीर में ही रहूंगी, समझी क्या? चुड़ैल की बात सुनकर रज्जो चुड़ैल से बोलती है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन चुड़ैल फिर से रज्जो के शरीर के अंदर समा जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी वहाँ रज्जो आती है और बोलती है। अरे क्या हुआ जी, अभी तक बिरयानी नहीं बनाई आपने? चलो आज मैं भी देखती हूँ आप बिरयानी कैसे बनाते हैं। रज्जो की बात सुनकर मोहन गुस्से में आ जाता है और बोलता है। ए औरत, ज्यादा मत बोल, खाने को दे रहा हूँ ना, तू सिर्फ खाने का काम कर, ज्यादा दिमाग ना चला, ये मेरा काम है। मोहन को गुस्से में देखकर रज्जो वहाँ से चली जाती है। मोहन अपने काम में लग जाता है और बिरयानी बनाकर बाजार में बेचने चला जाता है। ये मोहन बिरयानी बनती देखने के नाम पर इतना क्यों उछल रहा है? ये ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं देख सकती? मुझे पता लगाना होगा इसकी बिरयानी का राज। उसके बाद रज्जो मोहन पर नजर रखने लगती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बिरयानी बनाने का तरीका पता नहीं चल पाता। लेकिन एक रात जब मोहन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा होता है, रज्जो छिपकर देखने लगती है। जब से मैं इस बिरयानी में बच्चों का मांस मिला रहा हूँ, तब से लोग बहुत ही चटकारे लेकर बिरयानी खा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्द शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मोहन की बात सुनकर रज्जो हैरान रह जाती है और डरावनी आवाज में बोलती है। अरे ये मोहन तो बहुत बड़ा शैतान निकला, छोटे छोटे बच्चों का मांस मिलाकर इसमें खिला रहा है, इस दुष्ट की तो जान ले लेनी चाहिए, मुझे इसकी पत्नी को सब
ऐसा कहकर चुड़ैल रज्जो के शरीर से बाहर आ जाती है और रज्जो को मोहन के बारे में सब बताने लगती है, जिसे सुनकर रज्जो हंसने लगती है और बोलती है, चुड़ैल की बच्ची ये सब मैं जानती हूँ। मोहन ये सब कुछ मेरे कहने पर ही तो कर रहा है। रज्जू की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या तुम दोनों इंसान कहलाने के लायक नहीं हो? तुम छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो, ये गलत है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। लेकिन चुड़ैल जैसे ही रज्जू को मारने की कोशिश करती है, चुड़ैल रज्जू के आर पार निकल जाती है। चुड़ैल तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं पहले से ही मरी हुई हूँ। मेरे पति इंसानी बच्चों की बलि दे रहे हैं ताकि मैं जिंदा हो सकूं। रज्जू की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम दोनों पागल हो गए हो, कहीं इंसान की बलि देने से भी कोई अमर हुआ है? चुड़ैल और रज्जू बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गांव वाले मशाल लेकर आ जाते हैं और चुड़ैल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल, तो ये तू है जिसने हमारे बच्चों को हमसे छीना, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इस मोहन और इसकी मरी हुई पत्नी रज्जो का किया धरा है। तभी वहां पर मोहन आ जाता है और बोलता है, देखा देखा भाइयों, मैंने कहा था ना कि ये चुड़ैल आखिरी में हम दोनों पति पत्नी पर ही ये झूठा आरोप लगाएगी। अब तुम गांव वालों की मर्जी है, जैसा करना हो करो। अरे कैसी बात करते हो मोहन भैया, हम नहीं जानते क्या आपको? आप कुछ मत बोलो, हमें पता है ये चुड़ैल झूठ बोल रही है, ये सब इसी ने किया है। ऐसा कहकर सारे गांव वाले चुड़ैल पर लाठी और डंडों से हमला कर देते हैं। चुड़ैल वहां से किसी तरह जान बचाकर भागती है। चुड़ैल के जाने के बाद गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। मोहन रज्जो से कहता है, देखा देखा रज्जो डार्लिंग, मेरी प्लानिंग, अब ये गांव वाले हमेशा उस चुड़ैल को ही बच्चों का कातिल मानेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। मान गए मोहन, तुम्हारा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। उधर चुड़ैल जंगल में चली जाती है। ये गांव वाले तो मुझे अपना दुश्मन मानकर बैठे हैं, जबकि मैंने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली, मैं क्या करूं? चुड़ैल सोच में पड़ी थी, तभी उसे एक साधु बाबा तपस्या में लीन दिखते हैं। ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए लग रहे हैं, क्यों ना उनसे इस बारे में बात करूं, शायद यही कोई रास्ता निकाल पाए। फिर चुड़ैल बाबा के उठने के इंतजार में उनके पैरों के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब बाबा की आंख खुलती है, बेटी तुम यहाँ, क्या हुआ? आज एक चुड़ैल को इस बाबा की जरूरत कैसे पड़ गई? बाबा की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, बाबा मुझे अपने लिए आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि इस गांव के बच्चों की रक्षा के लिए आपकी जरूरत है। फिर चुड़ैल बाबा को मोहन और उसकी पत्नी रज्जो के बारे में पूरी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद बाबा बोलते हैं, इन दुष्ट पति पत्नी का कुछ करना होगा, इस मोहन को जरूर काला जादू आता है जिससे इसने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को वश में कर रखा है, मुझे ले चलो उन दोनों के पास। फिर बाबा और चुड़ैल मोहन के पास चले जाते हैं। मोहन बाबा और चुड़ैल को देखकर बोलता है, पहली बार साधु और चुड़ैल को साथ में देख रहा हूँ। मजा आ गया, मजा आ गया। मोहन ज्यादा ही मत कर और अपनी पत्नी की आत्मा को यहाँ से जाने दे और बच्चों की हत्या बंद कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर बाबा अपने हाथ ऊपर करते हैं। उनके हाथों से एक तेज रोशनी निकलती है जो रज्जो के ऊपर पड़ती है। रज्जो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख मोहन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये क्या किया बुड्ढे, मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरी पत्नी की आत्मा को यहाँ से भेज दिया, अब तेरी बारी है। ऐसा कहकर बाबा एक त्रिशूल से मोहन की गर्दन काट देते हैं। बाबा अब धन्य है, आपने कितने मासूम बच्चों की जान बचा ली, नहीं तो ये दुष्ट उनको ऐसे ही मार डालता।
फिर चुड़ैल और बाबा अपने अपने रास्ते पर चले जाते।